दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और ये है मेरी मोटरसाइकिल कॉन्टिनेंटल GT 650। और जय श्री राम प्रभु, बजरंग बली के भी दर्शन करा दिए हमने आपको सुबह सुबह बढ़िया। ओए माँ, यहाँ तो ठंड है और हमारी टी शर्ट भी बहुत पतली है, क्योंकि हमें पता है कि हम जब बॉलिंग और बैटिंग करेंगे तो थोड़ी देर में गर्मी लगने लगेगी। मैंने पहले ही बोला था कि अपने से 10 साल छोटे लड़कों से दोस्ती करने का यही नुकसान है, गले में भूल जाते हैं वो भी एक साथ सबके सब, सबका फोन आने लगता है, सबका मैसेज आने लगता है। जिल्ले इलाही कब आ रहे हैं? हम जिल्ले इलाही बोल देते तो हम भावुक हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं आ रहे हैं भाई। जब क्रिकेट खेलना चाहिए था तब हम खेले नहीं, रिटायर हो गए। अब रिटायर होने के उसमें हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई बे तुम लोग की हमारे बिना मैच स्टार्ट करने की? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अब लगाया तो आ रहा है आदमी, तुम्हारे तो घर के बगल में चढ़ा दूंगा मैं गाड़ी, तुम्हारे का एजेंसी गाड़ी तुम्हारे ऊपर चढ़ा दूंगा। कितने ओवर हुए? तुम लोग इसको कल फोन करे, फोन नहीं उठाया। ये हम दिखाते हैं कॉल लगाए नहीं, मरबो करेंगे। अगर हम प्रूफ कर दिए ना तो मरबो करेंगे। जानते हो ना RTI एक्टिविस्ट है, हमसे ज्यादा कानूनी हो नहीं। चलो ए जा बल्ला दो। चलो यार, आज प्लेयर कम है, लेग में कोई है नहीं, तो ये लोग लेग में ना सिंगल्स भी कैंसल है और बाउंड्रीज भी नहीं है। ऑफ में मारो सब, कैसा गेम खेला रहे हैं ये, हम ऑफ में कैसे मारे हैं? अब हमारे पास है हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हमने करी स्विच हिटिंग और हमने लेफ्टी होके मार दिया 4 रन। डोनाल्ड डक बन के आ गए हो? बहुत जोर लगी। ये दिखता छोटा सा है, ये बहुत जोर बॉल फेंकता है। ये जूता लाए हो दिल्ली से? अच्छा लग रहा है लेकिन। वाह वाह, कहाँ गया तुम्हारे अंदर का जय सूर्य बे? उस दिन तो बहुत भुदक रहा था। पिटवा दिए शेन वॉर्न, जैसे सचिन वॉर्न को मारता रहा वैसे तुम्हारे ऊपर से गया है। वाह, अच्छा लेफ्टी है ये। अभिषेक त्रिपाठी मिटियोर को झाड़ी में घुसने की वैसे ही पुरानी आदत है। ए, गंदे काम यहां मत क्या करो। पर हाथ पे दौड़ाया के सीधे एक तो हमारी नींद खराब कर दी, ऊपर से लेग में भी यार रन कैंसिल करवा दिए सब। ग्यारह का 16 बता देते, क्या फ्रॉड लोग हैं यार। तुम्हारे दादा सूरवीर रहे ना, मारो।
बतबा भल्लो इनसे। ए टॉस होगा, ये जीती बैटिंग क्या होता है बे? हमको बॉलिंग नहीं दे रहे हैं इन लोग, सुबह से उठा दिए फोन करके 10 बार। कोई कुन्नाई भी, ये कौन से मैच में होता है? ये गली क्रिकेट है। गली क्रिकेट नहीं है ये, मैदान क्रिकेट है। मतलब जिसके मुंह से ये निकला पहले की कैच कर रहे मैं तभी समझ गया था। सही बात है, एक है टिक्की भैया। आज हम लेट क्या हुए, कैप्टन कौन बन गया? ये टिक्की है, ठीक है, ठीक ना? टॉस टिक्की बोल चुका है, मैं टिक्की बोल चुका हूँ। फेंको, डिसाइड कर लिया हूँ कि आएगा ही। फेंको, फेंक दीजिए, टिक्की आ गई। चल टिक्की जीत गए, दो बैटिंग अब तो दे दो, बॉलिंग भी नहीं दिए। चार ओवर के बैटिंग, तीन चार बॉल नहीं मारेंगे तो हट जाएंगे। बॉलर कौन देख लीजिए, आठ यही चल रहा है, तीन चार। ओपन कर दीजिए सब, हैं? ओपन कर दीजिए, बहुत पदक पड़ी यार। तो क्या हुआ, चार ओवर की बात है। ये वैसे बात सही है कि ओपन कर देंगे बहुत वो लग जाएगा, बकरी बिक जाएगी, गेंद बहुत जाएगी बाहर। ये वैसे एक बात है, इस तरह का खोल देते हैं पूरा, इस तरह सारे फील्डर जो है ना है तो गोबर ही, कहीं भी खड़ा कर दो। ऑफ में 10 करोगे तो भी जाएगी बॉल। सारे में आप भी आते हैं, सारे में आप भी काहे में, सारे में, सारे फील्डरों में। हाँ तो हम अपनी बात भी कर, हम ब्लॉगर भी हैं, एक हाथ से बॉल पकड़ते एक हाथ से कैमरा, थोड़ा बॉल तो छूटेगी ना। स्टंप कितना जबरदस्त है, ये स्टंप उठा के कौन लाया इतना भारी? ये पहले से रखा था? अच्छा पहले से रखा था, हम वही बोले कि ये कौन। चार बहुत कम है, चार दूनी आठ ओवर हो जाएगी भैया। इतनी देर में बहस कर रहे हो, इतनी देर में मैच खेल लो, वैसे ही कौन सा चलोगे? पहली टीम आठ खेलेगी, दूसरी टीम चार ओवर मैच जीत जाएगी। अब देखे बेचारे को दौड़ाए पड़े हो। ये ए बल्लेबाज का आंखें दे रहा है, ऐसे ही बॉलिंग कर रहा है ये। ए ए मैं यार, मैं कैमरा पकड़ू की हंसू यार। अरे यार मैं कैमरा कैसे पकड़ू यार। अरे यार अरे अरे गजब। अरे
अभिषेक त्रिपाठी बेचारा ये जिस तरह फील्डिंग में दौड़ता था मुझे लगता था ये गिरेगा। कहाँ लगा? कितने एक गेंद में कितने रन चाहिए? कितने रन चाहिए? अब बॉल में कितने रन चाहिए? कितने 6 रन चाहिए 7 रन? अरे हो गया, अब वाइड भरना करना। खरगोश आज जो हम दौड़ते हो इसीलिए गिर गए। नहीं नहीं क्या हुआ, मारे हैं खींच के तो भाई अपने बल्ला आई आई नहीं गई। तो क्या हुआ, मैं आया कहां तक है की बताओ यार, ऊपर ऊपर से निकले रहे। मारा बहुत तेज था भैया। मारू मारू को देख के नहीं लग रहा करण जौहर की पिक्चर का है, हीरो है, है? उस दिन मजा आया था, आज इतना मजा नहीं आया। ज्यादा खिलाड़ी थे उस दिन। हाँ तो हम निकले थे शिल्पी प्लाजा और ये गाड़ी हो गई पंचर, पिछला टायर। हालांकि इसमें जेल डाला था हमने फॉर्मूला एक्स पर, इस बार फेल हो गया गाड़ी का टायर जो है बैठ गया। मैं कमिश्नर ही गया था, जैसे ही बाहर निकला उसका टायर जो था वो पंचर हो चुका था। तो इसी तरह खड़ा होके मैं इसको थोड़ी दूर तक चला लाया हूँ और अभी एजेंसी लेके जाऊँगा, वहाँ खुलवाऊँगा, देखता हूँ अगर बीच में कहीं हवा भरा के अगर हवा थोड़ी देर चल जाएगी तो भगाते हुए ले जाऊँगा एजेंसी, वरना ऐसे ही खड़े खड़े, क्योंकि भाई इंतज़ार तो कर नहीं सकते, टेम्पो भी नहीं मंगवा के लदवा सकते। तो अब ले जा रहे हैं, अब देखेंगे ट्यूब ख़राब होगी तो दूसरी ट्यूब रखी है, टायर भर बचा रहे, देखते हैं। ये देखो पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी गाड़ी जो है बीच बाजार पंचर हो गई, वरना अभी तक ऐसी कोई तकलीफ नहीं दी थी, कि पहली बार ऐसा हो रहा है। मुझे कील मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मिला भी नहीं, तो पता ही कितना बहुत फाइन जब इसमें नीडल घुसती है ना, जैसे सुई या पिन, तभी ये फार्मूला एक्स फेल होता है, और कील तो घुसी नहीं है, तो मतलब कुछ छोटी मोटी चीज़ ही घुस गई है तो हो गया है पंचर। दोनों टांग में खड़े होकर चलाना और कठिन है भाई, क्योंकि एक तो भारी गाड़ी है और दूसरा हैंडल नीचे है, कैफे रेसर है, तो पीठ दर्द होने लगी और अपन भी हाइट ठीक ठाक है। अब किसी तरह इसको एजेंसी तक ले जाते हैं, हवा भराते हैं, रस्ते में अगर भर गई तो ठीक है, वरना ऐसे ही लेके जाएंगे। अब रिम जाएगी या ट्यूब जाएगा या टायर, अब देखते हैं। चलो चलें, काहे टाइम बर्बाद करें। 50-60 पंचर में कम है, ज़्यादा ले लेते हैं। कितना है आगे? 20 है, कर दीजिए 36 कर दीजिए। पंचर हो गई, हवा भरवाए हैं, शिल्पी प्लाजा पीछे कमिश्नर ऑफिस से पंचर हुई है, एकदम बैठ गई, फिर खड़े खड़े चला के लाए हैं और उसके बाद ही काले चौराहे में हवा भरवाए और फिर वहां से भगाते हुए लाए। अब खुलवाएंगे टायर, देखें क्या लफड़ा हो गया हमारी गाड़ी में। दीप भाई हैं? नहीं है। तू आज क्रिकेट खेलने नहीं आए थे? नहीं आए थे, कल आएंगे। कल हम नहीं आएंगे। मोटर्स आ गए भाई। अब दिलीप भैया कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? दोनों लौंडे क्या कर रहे हैं? किसकी गाड़ी खराब कर रहे हो? कहाँ दिलीप भाई हमारे? नहीं आए ना। अरे यार हमको अभी बात है, हमारी गाड़ी पंचर हो गई, आइए बाहर कोई एक जन। गाड़ी पंचर शोरूम वाले बनाएंगे? अरे ऐसा बोलिए ना। दिलीप भाई कहाँ हैं? नमस्कार दिलीप भाई कहाँ हैं? अंदर कौन है? दिलीप भाई हमारा गाड़ी पंचर हो गया, पहिया खुलवाना है। मुंह ऐसे काहे फाड़ रहे हो? टायर है, पंचर ही होता रहता है। हाँ यार फिर भी पंचर हो गया, पता ही क्यों।
आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, ये इस तरह से पहली बार। हालांकि हवा भरा दिए हैं तो चल के आ गई है, ऐसा नहीं है कि वैसे होता ट्यूब तो बैठ जाता, हवा भरा दो तुरंत, वो नहीं हुआ हवा, लेकिन पंचर हो गई है, खुलवाना पड़े। अब ये अंदर खुलेगी, बाहर थोड़ी खुलवाऊंगा। हाँ गए थे ना वो देखने, वकांडा, दिमाग का हो गया युगांडा। अरे कुछ नया सीखने को मिला उसमें? क्या सीखने को मिला? यही कि टखने में पंख जाम आते हैं, वाइब्रेनियम कहीं और भी है वकांडा के अलावा नहीं। हाँ ये बात, ये भी था कि जड़ी बूटी खा लोगे तो नीले हो जाओगे, ऐसी जड़ी बूटी वो लोग खाए के पानी में शक्ति मिलनी है। हाँ लड़की बनी ना, हाँ रानी नहीं, ब्लैक पैंथर, हाँ वो बनी। अब वो तो चला गया, मुझे लगता है उसी है किसी और मेल ब्लैक। अरे वो अच्छा था, क्या नाम है जो दूसरा अल्विलेन था? हाँ, जो तो, मर गया। हाँ वो तो वो एक वो अच्छा, वो और तगड़ा लग रहा था, सही बात है। पर हो गया, हमको भी ब्लैक पैंथर बना देते, हम भी तो काले हैं। हाँ ये भी ठीक है, हम आशीष भाई को आयरन बंद बना देते, लास्ट में आशीष भाई से ही वैसे करवाते चुटकी। मैं हूँ आयरन मैन और हो गया। मैं कौन बनूंगा? थॉर है। तुम वो बनोगे, तुम वो बनोगे। मैं हूँ ग्रूट, मैं हूँ ग्रूट। आज तुम आए नहीं थे, सुबह मैच खेल रहे, सब बोल रहे थे दादा नहीं आए, दादा नहीं आए। गाड़ी पंचर करवा दी आज तुम लोग? आज यहाँ लग गई थी, कुछ डैमेज तो नहीं हुआ? नहीं यहाँ नहीं लगी, यहाँ शोल्डर में लगी है। नहीं यहाँ पे भी लगी थी। देखो एक जगह वहाँ बस ना लगे, बाकी चलेगा, वो जगह बचा के। मेरी गाड़ी पंचर हो गई तो मैं बोला कि ये वाला टायर मेरे को दे दो, तुम लोग मेरा वाला ले लो। कौन इसी में तो है न देंगे, दो छक्का के मार लिए। शाहिद अफरीदी बने, शाहिद अफरीदी थे आज के मैच के, पता है दूसरे मैच में तो कैसे आउट हुए, कैच आउट ना, एक चौका मारो फिर कैच आउट। शाहिद अफरीदी तो नहीं हुए, एक मैच में 100 मार देगा, दूसरे में अंडा दे देता सीधे वो। अभिषेक देखिए हम बैठ के देखते हैं, तुम बताना कि फिर भी ट्यूब वाली है बैठ जाती है, वो यहाँ तक आ गई, बहुत बड़ी चीज है। एटलीस्ट जेल इतना तो काम करता है कि तुमको बचा लेता है मौके पे। थोड़ा सा कम हो रही है, नहीं हो रही ऐसे चलाया हूँ। लो लो पकड़ो, हो गया। चैलेंज कर रहा था, बड़ा था बने थे दादा। आप कहाँ, मैं तुच्छ प्राणी। अरे तुम कहाँ तुच्छ हो, तुम सर माउजर लेके से घूमते हो आगे पीछे। हाँ माई बाइक में डला है फॉर्मूला एक्स जेल, टायर में, बाइक में नहीं टायर में, दोनों ट्यूब में। हमारी बाइक जो है कॉन्टिनेंटल जीटी, उसमें स्पोक्ड व्हील्स है और उसमें ट्यूब टायर्स है। इसका मतलब ये है कि पिन घुसा, कील घुसा, पंचर हुआ और फुस्से से वो बैठ जाएगी। हमने डलवा लिया था इसमें जेल क्योंकि शुरू से हमको डर था कि यार अगर ये बाइक कहीं बैठ गई वो भी सिटी से बाहर राइड में तो बाजा ही बच जाएगा हमारा। अब क्या है कि हमारी बाइक में आज तक बहुत बार पंचर हुआ, बहुत बार कीले घुसी, दो बार ऐसा हुआ है जब हमारी बाइक की पूरी हवा निकली है। एक बार हवा निकली है जब पिन घुस गई थी पतली सी, और उस पर यह चीज़ अच्छी थी कि हमने हवा भरा अपने, मेरे पास पंप है जो फुट पंप, उससे हवा भरा, एक डेढ़ घंटे चल गई, फिर हवा निकली। तो उससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि जब जेल डालते हो तो या तो हवा निकलती नहीं है अगर पंचर हो गया तो, और अगर आप कील निकाल देते हो तो रिपेयर हो जाता अपने आप। तो एक ये बेनिफिट है। दूसरा ये है कि अगर मान लो तुम्हारी ट्यूब टायर है, कील घुसी, तुम्हारी फुस्से से वहीं गाड़ी बैठ जाएगी, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। जल मेरे में डला है तो हवा धीरे धीरे करके निकलती है बड़े आराम से, तो आपको मौका दे देती है। मेरे साथ में भी यही है, पंचर हुई, हवा बुरी तरह निकली, मैं किसी तरह उसको ले गया, हवा डलवाया, अब उसमें हवा फिलहाल है,
अभी मैंने चेक नहीं किया कि उस पर कितनी हवा है, लेकिन मैं चेक करूंगा, मेरे पास अब पंप है घर में तो मैं चेक कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं उसको एजेंसी से लेके आया क्योंकि हवा उसमें नहीं कम हो रही थी, एक घंटे आधे घंटे हो गए थे हवा बिल्कुल भी जब कम नहीं हुई, तब हमने बोला घर ले चलते हैं इसको, अब कोई दिक्कत नहीं, एजेंसी पास में ही है, तब तो दूर फंस गए थे शिवली प्लाजा में, चेक कर लेंगे पंप से, अपने फुट पंप से इसकी हवा और प्रेशर गेज से, और अगर हमें लगेगा कि हाँ यार नहीं हवा निकल रही है तो फिर एजेंसी बगल में जाएंगे और खुलवाएंगे टायर, पंचर बनवाने को भेज देंगे हम। बाहर ट्यूब टायर वाली बाइक लो, खासकर GT इंटरसेप्टर, उसमें फार्मूला एक्स डला लो, कभी नहीं पछताओगे। अब अगर इसे फार्मूला एक्स नहीं होता तो क्या होता, पंचर हो गई थी, मैं इसको किसी तरह लेके गया, खड़ा होकर बाइक चलाया, मैंने हवा भरा ली, तो एट लीस्ट उसके बाद तो मैं चलाते हुए लेके चला गया। अगर इसे फार्मूला एक्स नहीं होता तो कोई चारा नहीं था, हवा नहीं भरा सकते थे, तुरंत हवा निकल जाती, पंचर ही बनवाना एकमात्र उपाय था। अब या तो मैं कहीं और बाहर खुलवाता, जो मैं प्रीफर नहीं करता हूं। मैं प्रीफर करता हूं कि मैं एजेंसी में ही अपनी बाइक का पिछला टायर, अगला टायर कुछ भी हो वही करवाऊँ, बाहर नहीं, खासकर टायर वगैरह। तो इसलिए अब मैं एजेंसी में एटलीस्ट खुलवा पाऊंगा पहिया, और अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तुरंत खुलवाने की, अभी मैं घर ले आया हूँ क्योंकि अब मेरे पास पंप है, जैसे ही हवा अगर निकलती भी है शाम तक मैं पंप से हवा डालूंगा, और अगर नहीं निकलती तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चीज़ बढ़िया है टायर, तो फार्मूला एक्स ज़रूर डलवा लो भाई, बहुत खुश रहोगे, कभी नहीं पहुँचता होगे, 1300-1400 की चीज़ है, बहुत खुश रहोगे।